नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे पटना में बस के रूटों के बारे में कि पाटलिपुत्र बस स्टैंड जाने के लिए आपको कहां से कितना समय लगेगा। बिहार की राजधानी पटना में स्थित मीठापुर बस स्टैंड 20 जुलाई के बाद से कभी भी बंद हो सकता है। इसकी जगह सभी यात्री बसें बैरिया स्थित नवनिर्मित पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से खुलेगी। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने अफसरों के साथ समीक्षा बैठक के बाद यह निर्देश दिया। इस फैसले के लागू होने के बाद पटना जंक्शन से बस स्टैंड की दूरी दोगुनी से भी अधिक हो जाएगी। वहीं पाटलिपुत्र जंक्शन और दानापुर स्टेशन पर ट्रेन छोड़ने पकड़ने वाले लोगों को भी अब बस स्टैंड तक पहुंचने के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी। इस दौरान उन्होंने पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि 15 जुलाई से पहले 0 माइल से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के संपर्क पथ के चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण कर लें। इसके साथ ही बस टर्मिनल के निकट पुलिस थाने का निर्माण भी करवा लें। इसके साथ ही उन्होंने बुडको के प्रबंध निदेशक को मानसून में भी निर्बाध रूप से काम जारी रखने को कहा है और कहा है कि वहाँ ट्रॉली मॉन्टेन पंप की सुविधा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। ऐसे में अब समस्या यह उत्पन्न हो गई है कि पाटलिपुत्र बस टर्मिनल शहर से दूर हो जाने के कारण लोगों को बस टर्मिनल पहुंचने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आइए जान लेते हैं राजधानी पटना के प्रमुख स्थानों से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल की दूरी कितनी है और कितना समय लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं दानापुर रेलवे स्टेशन के। तो दानापुर रेलवे स्टेशन से पाटलिपुत्र बस स्टेशन की दूरी के बारे में अगर हम बात करें तो यह 17 किलोमीटर की दूरी है। अगर आप कार से यह दूरी तय करना चाहते हैं तो इसमें 45 मिनट का समय लग सकता है। वहीं अगर आप यह दूरी बाइक से दूरी अगर तय करते हैं तो उसमें 39 मिनट का समय लग सकता है। अगर हम बात पाटलिपुत्र जंक्शन की करें तो पाटलिपुत्र जंक्शन से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल की दूरी 21 किलोमीटर की है। अगर हम बात कार की करें तो कार से यात्रा करने में जो समय है वो 1 घंटे का लगेगा। वहीं अगर हम बात बाइक की करें तो बाइक से यह दूरी तय करने में 42 मिनट का समय लगेगा। पटना जंक्शन की बात करते हैं। पटना जंक्शन से पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन की दूरी 9.5 किलोमीटर है। पटना जंक्शन से आप पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन का सफर अगर कार से करते हैं तो 30 मिनट का समय लगेगा। वहीं अगर आप बाइक से यह समय दूरी तय करते हैं तो 28 मिनट का समय लगेगा। अगर आप बस से यह सफर तय करते हैं तो 54 मिनट का समय लग सकता है। आपको बता दें कि पटना जंक्शन से पूरे देश में ट्रेन आती है। पहले मीठापुर बस स्टैंड पास होने के कारण लोगों को बस स्टेशन तक जाने में परेशानी नहीं होती थी, लेकिन अब दूरी हो जाने के कारण लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। राजेंद्र नगर टर्मिनल से पाटलिपुत्र बस स्टेशन की दूरी जो है 6.4 किलोमीटर की है। राजेंद्र टर्मिनल से पाटलिपुत्र बस स्टेशन की दूरी अगर हम कार से तय करते हैं तो 21 मिनट का समय लगेगा। वहीं अगर हम बाइक से यह दूरी तय करेंगे तो 18 मिनट का समय लग सकता है। वहीं अगर हम बात बस की कर लें तो बस से यह दूरी तय करने में 42 मिनट का समय लग सकता है। राजेंद्र नगर टर्मिनल पूरे देश से रेलवे स्टेशन पर गाड़ियाँ आती हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं पटना एयरपोर्ट से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल की दूरी जो है वह 14 किलोमीटर की है। अगर आप पटना एयरपोर्ट से कार से अगर यह दूरी तय करते हैं तो आपको 37 मिनट का समय लग सकता है। वहीं अगर आप बाइक से यह दूरी तय करेंगे तो आपको 35 मिनट का समय लग सकता है। अगर आप बस से यह दूरी तय करना चाहते हैं तो 1 घंटे से ज़्यादा का समय लग सकता है। अब हम बात करते हैं पीएमसीएच से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल की दूरी जो है 9.4 किलोमीटर की है। अगर आप यह दूरी कार से तय करना चाहते हैं तो 35 मिनट का समय लग सकता है। वहीं अगर आप यह दूरी बाइक से तय करना चाहते हैं तो इसमें 29 मिनट का समय लग सकता है। अगर आप यह दूरी बस से तय करना चाहते हैं या फिर आपको यह सुविधा में बस अगर मिल रही है तो उसमें 1 घंटे से ज़्यादा का समय लग सकता है। अब हम बात करते हैं IGMS से पाटलिपुत्र बस स्टैंड की दूरी के बारे में। यह दूरी जो है 16 किलोमीटर की है। अगर आप इस दूरी को कार के माध्यम से अगर तय करना चाहते हैं तो इसमें 42 मिनट का समय लगेगा। वहीं अगर आप बाइक से यह दूरी तय करना चाहते हैं तो इसमें 38 मिनट का समय लगेगा। अगर आप बस से यह सफर तय करना चाहते हैं तो इसमें 1 घंटे से भी ज़्यादा लगने की बात कही गई है। अब हम बात करते हैं पटना एम्स से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल की दूरी के बारे में। यह दूरी जो है 18 किलोमीटर की दूरी है और बस टर्मिनल से कार से अगर आप सफर करना चाहते हैं तो इसमें आपको 48 मिनट का समय लगेगा। वहीं अगर आप बाइक से यह दूरी तय करते हैं तो उसमें 43 मिनट का समय लगेगा। अगर आप यह सफ़र जो है बस से करना चाहते हैं तो इसमें 1 घंटा 30 मिनट लगने की बात कही गई है। अब हम बात करते हैं मीठापुर बस स्टैंड से पाटलिपुत्र बस स्टैंड की दूरी। तो यह दूरी जो है 7.5 किलोमीटर की है और मीठापुर बस स्टैंड से कार से अगर आप पाटलिपुत्र बस स्टैंड जाना चाहते हैं तो इसमें आपको 22 मिनट का समय लगेगा। जबकि बाइक से अगर आप जाना चाहते हैं तो इसमें भी आपको जो है 22 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि ये दोनों रास्ते अच्छे रास्तों में से एक है और ये जो है पटना के बाईपास
का इलाका है जहां से ये दोनों सड़कें एक दूसरे से मिलती है। अगर आप ये सफर बस के माध्यम से तय करना चाहते हैं तो इसमें आपको 42 मिनट का समय लग सकता है। आपको बता दें कि जुलाई महीने के अंत तक पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से प्रदेश के सभी जिलों के लिए बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि इस टर्मिनल से बिहार के साथ ही देश के अन्य राज्यों के लिए भी बसों की सेवा शुरू की जाएगी। तो ये थी बसों को लेकर जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।